खरगोन जिले के कसरावद में जैविक अमरुद की खेती बड़े मात्रा में किसान करने लगे हैं। जैविक खेती में किसानों को फसल की क्वालिटी एवं उत्पादन अधिक के साथ नुकसानी कम हो रही है, साथ ही रासायनिक खादों के छिड़काव का बड़ा खर्च कम होकर सस्ते देसी जैविक खाद से किसान को अधिक लाभ मिल रहा है। सबसे बड़ा लाभ स्वास्थ्य की दृष्टि से आम जन को भी हो रहा है। इसी कारण खरगोन के इस अमरुद की दिल्ली एवं यूपी गुजरात में अच्छी मांग बनी हुई है। थोक मंडी में 40 से 55 रुपए अमरुद बिक रहा है। किसानों को प्रति एकड़ 1.5 से 2 लाख रुपए का फायदा पहुंच रहा है। किसान को इस वर्ष 15 रुपए किलो अधिक फायदा मिल रहा है। किसान के जैविक तरीके को उद्यानिकी मंत्री भारत सिंह कुशवाहा भी किसान सुरेंद्र पंचोटिया उमेश पाटीदार के खेत पर देखने आए। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। अमरुद जो है हाइब्रिड वेराइटी का है, VNR सीडलेस आता है और शुगर फ्री, और इसका साइज एवरेज 500, 600, 700 ग्राम तक का बैठता है, और पूरी सप्लाई ये शहरों में जाती है और एक्सपोर्ट वेराइटी का भी है। तो आप एक्सपोर्ट भी करते हैं? नहीं, एक्चुअली मैं एक्सपोर्ट अभी हमारे इधर थोड़ी सुविधाएं कम है, पर जाता है माल कभी कभी। अभी कहाँ कहाँ खास तौर तो जा अभी रहा? ये जा रहा है यूपी, अयोध्या, आगरा, दिल्ली और इंदौर, ग्वालियर जो हमारे नज़दीक शहर हैं वहाँ पर पहुँचा रहे हैं। इसको किस प्रकार से देख रेख करते हैं आप लोग इसको? ये इसका ये जब सितंबर माह में ये करीब नींबू साइज का रहता है, जब हमको ये एक जाली और इसके ऊपर एक वाइट पन्नी लगती है और उसके ऊपर तीसरा आता है न्यूज़पेपर, ये तीनों हमको लगा के छोड़ना पड़ता है और इसकी हार्वेस्टिंग फिर दिसंबर से स्टार्ट होती है। तो इस प्रकार से केयर करने से क्या फ़ायदा होता है? इससे क्वालिटी बेस्ट बनती है, शाइनिंग वाला अमरूद बनता है। हाँ, और इसमें मतलब किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं लगती है, हर तरह से ये बच जाता है, इसकी जो बैगिंग होती है उससे। हाँ भी। ये कितने बड़े रकबे में आपने कर रखा है? ये हमारा 6 एकड़ का है, 6 एकड़ में 2,200 के करीब पौधे हैं। अच्छा। और हर साल इसकी इसी प्रकार से ट्रीटमेंट किया जाता है, और इस साल इसको मैंने पूरा ऑर्गेनिक ट्रीट किया है तो उसका भी बहुत अच्छा मुझे बेनिफिट मिला है। तो कैसे लोग कौन खरीददार किस प्रकार से यहाँ आते हैं कि क्या खरीददार है? में एक तो हम मंडी भी लगाते हैं और साथ साथ में जो व्यापारी यहीं से ले जाते हैं उनको भी देते हैं। हमारे जो मतलब पिछले 4-5 साल से कंटिन्यू जो टच के जो व्यापारी हैं उनको हम क्या रेट मिल रहा है अभी? ये इस साल ये 40 रुपये से 55 से 60 रुपये बिका है। जनरली इतना रेट नहीं मिलता दूसरे? इस साल थोड़ा अच्छा है क्योंकि इस साल क्या हुआ था कि जो इलाहाबादी सादा अमरूद आता है वो जल्दी ख़त्म हो गया था, तो उस वजह से इसके रेट थोड़े से अच्छे मिले। प्रतिवर्ष क्या रहता है? प्रतिवर्ष 40 के आसपास 40-45। और रकबा भी बढ़ रहा है इसका? हाँ, रकबा कंटिन्यू हर साल बढ़ते जा रहे हैं इसके मतलब प्लांट। क्या नाम है आपका? मेरा उमेश पाटीदार, एस नितिन पाटीदार। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।